यकीन नहीं आ रहा। सनम सब कुछ जानते हुए भी घर वालों की इसी बेइज्जती कर। अब वो मर भी गई ना तो कोई नहीं जाएगा वहां पर, और अगर वो यहां आई तो मैं खुद मार दूंगा उसको। बेटा वो भी तो मजबूर है, यूं बार बार घर बर्बाद हो कौन औरत ये बर्दाश्त कर सकती है। बस कर दे अम्मी, मर चुकी है वो हमारे लिए। अच्छा खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। आपको हमारी इज्जत का कोई एहसास है? माँ को अपने हर बच्चे की दुख और तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन तुम सब। पप्पू अरसलान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सबको उसका बायकॉट कर देना चाहिए, उसे भी तो अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हारी और खुरम की शादी की तस्वीरें तो बहुत अच्छी है, लेकिन आई वंडर तुमने खुरम जैसे शख्स को शादी के लिए कैसे चूज कर लिया। क्या मतलब? He's a very non-serious man. क्यों? नताशा, खुरम के पास आखिर है क्या? बाप की कमाई हुई दौलत, बिजनेस और घर। बाप की दौलत पर आखिर कब तक ऐश करेगा? अब तो उसके बाप की भी डेथ हो गई है। ओ, तो सब कुछ खुरम के नाम कर गए हैं क्या? पता नहीं। स्टूपिड, एक तो खुरम से शादी करके तुमने इतना बड़ा ब्लंडर मार लिया। अब जल्दी जल्दी उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और तुम्हें पछताना पड़े। आप कहना क्या चाह रही हैं? क्या तुम खुरम को नहीं जानती? वो रंगीन फूलों पे मंडलाने वाला भंवरा है। आज तुम्हारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा। बेहतर है तुम अपना फ्यूचर सेव कर लो। मैं कॉल बैक करती हूं आपको। क्या हो गया? बहुत अपसेट लग रहे हो। कुछ नहीं हुआ। लगता है कि देवी ने फिर से बेइज्जत किया। हाँ किया है तो? तो ये कि इट्स टाइम कि तुम अपने लिए लॉयर हायर कर लो, वरना पता नहीं तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ और क्या क्या करेगी। लॉयर? क्यों? लॉयर इसलिए ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे फादर ने कोई लास्ट मोमेंट चेंजेस तो नहीं किए दिल के अंदर। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट।